ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है अक्सर ये बात आप मुझसे पूछते रहते हैं कि कोई भी जिंदगी में बड़ी घटना या दुर्घटना या कोई ऐसी अनहोनी हमारे साथ होती है तब उससे पहले हमें कोई संकेत मिलते हैं क्या उससे दो चार महीने पहले या एक महीने पहले या पंद्रह दिन पहले या उस होने से पहले कुछ संकेत हमें मिलते हैं क्या और अगर मिलते हैं तो वो कौन से संकेत हैं तो इस पूरे विषय पर हम आज बात करने वाले हैं कि ये पूरा जो सिचुएशन ये है क्या और इस सिचुएशन को हम कैसे इन चीज़ों का हमारे लिए जीवन में पॉजिटिव फ़ायदा ले सकते हैं ये वीडियो का कोई मकसद आपको डराना नहीं है और नहीं आपके बीच कोई भ्रांति भरना है ये केवल आपको एक सही जानकारी प्रेषित करने के लिए वीडियो है तो इस वीडियो को पूरा देखो अंत तक देखो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम जरूर लिखना आपको अच्छा लगे तब लिखना लेकिन उससे पहले एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें कमेंट्स में लिख भोलेनाथ का नाम भी लिखें और अगर, अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं कोई भी आपकी परेशानी है आप तनाव में हो डिप्रेशन में या कोई आपके प्रश्न हैं जो आपको भविष्य को लेकर बहुत चिंतित कर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर चल रहा है ये व्हाट्सअप ही चालू है फ़ोन बंद है दोस्तों व्हाट्सएप के थ्रू व्हाट्सअप कॉल के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं अपना डिटेल शेयर कर दे और इसका फ़ीस लागू ये फ्री परामर्श नहीं है दोस्तों सबसे पहली बात है कि अगर ये मन में आपके प्रश्न उठता है कि बड़ी घटना जब होती है तो उससे पहले हमें क्या संकेत मिलते हैं कुछ मानवीय व्यवहार है कुछ मानवीय मान गुण है तो सबसे पहला है लालच अगर आप किसी लालच के श्रेय में आकर कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके साथ कोई बड़ी घटना होगी क्योंकि कई सारे जातकों के साथ राहू जो है एक लालच का भ्रम भरता है और व्यक्ति लालच के अंध में चीज़ों को देख ही नहीं पाता और ना ऑब्जर्व कर पाता इसलिए लालच जो है उस पर आप को ये डिसाइड करना होगा कि ये लालच है या लाभ है लाभ और लालच में बहुत बारीक सा अंतर होता है इसलिए सबसे पहला संकेत बड़ी घटना के लिए लालच है दूसरी बात होती है कि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में अगर चले जाते हैं बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो रहे हैं तो ये भी बड़ी घटना को ही हमें और धकेलेगा क्योंकि तो एक नकारात्मक व्यक्ति एक नकारात्मक मस्तिष्क हमेशा नकारात्मकता ही आपको फल देगा आप सोचिए कि पॉजिटिव फल मिलेगा ऐसा नहीं है इसलिए जब भी नकारात्मक हो नेगेटिव हो खुद को पॉजिटिव करें गीता का अध्ययन करना शुरू कर दें गीता का पाठ करना शुरू कर दें क्योंकि गीता से ज़्यादा पॉजिटिव करने वाले इस दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं है कोई भी चीज़ नहीं है इसलिए माँ गीता का पाठ करें आप क्योंकि वो जो ज्ञान है वो अपने आप में बहुत सावत सत्य है तीसरी बात है ईश्वर का जब अगर आप ईश्वर का जप करते हैं ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं तो एक और पॉजिटिव और आपके पास बनेगा चाहे कितनी बड़ी घटना हो कितनी बड़ी परेशानी हो ईश्वर उससे आपको बचा ही लेगा तो मैं इसी पर आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें अपने माता जी का जो जाप करें अपने हनुमान चालीसा का पाठ करें गीता का पाठ करें आप बजरंग बाण का पाठ करें रामायण का पाठ करें इन सभी से एक पॉजिटिव वेव्स हमारे आसपास बनती है और बड़ी से बड़ी घटना से वो हमें बचाती है अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना शेयर करना कमेंट्स करना मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए ओम नमः शिवाय